बड़ी खबर इस वक्त देहरादून से, जहां पर सीएए को लेकर माहौल खराब करने वालों को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चेतावनी दी है और कहा है कि राज्य में बाहरी तत्व माहौल खराब करेंगे और ये सरकार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो जामिया मिलिया और कश्मीर से आए लोग घुसपैठ कर रहे हैं, लोकतंत्र में सभी को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन जो माहौल खराब करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सख्त शब्दों में यहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चेतावनी दी है और जिक्र यहां पर किया है जामिया मिलिया का और इसके साथ ही कश्मीर से आए लोग, जो उनका कहना है कि घुसपैठ कर रहे हैं और माहौल को पूरी तरीके से खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीए को लेकर जो माहौल खराब किया जा रहा है उस पर एक कड़ी चेतावनी दो टूक शब्दों में यहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ कर दिया है कि अगर राज्य में या फिर देश में माहौल खराब किया जाएगा तो इसको सरकार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो उनका यह कहना है कि लोकतंत्र में सभी को विरोध करने का अधिकार जरूर है, लेकिन देश का, राज्य का माहौल खराब करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मुझे फीडबैक मिला है कि यहां पर जामिया मिलिया से और कश्मीर से कुछ लोग आए हैं और मैं उनको चेताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में ये लोग घुसने की कोशिश ना करें। हम इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर सख्त कदम उठाना पड़ा तो हम सख्त कदम भी उठाएंगे। अगर कोई प्रदर्शन करता है लोकतांत्रिक तरीके से तो उसका अधिकार है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, सीएए को लेकर जिस तरह से जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है उसके तहत यहां पर सख्त लहजों में चेतावनी दी जा रही है और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी यहां पर चेतावनी दी है कि अगर राज्य में माहौल खराब किया गया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल ऋतु जी, आज सीएम ने जिस तरीके से बयान दिया है और साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि जो भी बाहरी तत्व उत्तराखंड में माहौल खराब करने का, सीए या फिर किसी भी मसले को लेकर अगर माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसको लेकर पुलिस को भी खास तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं। आपको बता दूं कि शाहीन बाग बनाने की कोशिश यहां पर देहरादून के इलाके में भी की गई, उसके अलावा हल्द्वानी में भी की गई। तो कोशिश यही रही कि यहाँ पर एक धरना टाइप और बड़ी उसमें धरना दिया जाए और एकाएक उत्तराखंड में ये पिछले दो तीन दिनों से शुरू हुआ है। तो मुख्यमंत्री के पास भी इनपुट गए होंगे कि जामिया मिलिया से जुड़े हुए या फिर कश्मीर से जुड़े हुए कुछ लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं वो यहाँ पर एकत्रित लोगों को करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने उन्हें साफ तौर पर निर्देश दिया है कि और उनको चेतावनी भी दी है कि इस तरीके की हरकतें ना करें वरना तो सख्ती से निपटा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर उत्तराखंड के लोग किसी तरीके का विरोध करते हैं तो उनका हमारा भी कोई विरोध नहीं है, लेकिन अगर कोई बाहर का तो आके उत्तराखंड में माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उसको नहीं बख्शा जाएगा। तो ये आज मुख्यमंत्री की है सख्त चेतावनी आज बिल्कुल पंकज, क्योंकि दिल्ली के शाहीन बाग में हम देख रहे हैं और लखनऊ से भी इस तरह का मामला सामने आया है, अब उत्तराखंड से भी, जहां पर आप जैसा कह रहे हैं कि देहरादून में और हल्द्वानी में भी हमने यहां पर तस्वीरें देखी हैं कि सीए को लेकर किस तरह से विरोध हो रहा है। ये क्या साफ यहां पर अनुमान है कि घुसपैठ की जा रही है और तमाम राज्यों में इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश यहां पर की जा रही है, सीए का विरोध यहां पर किया जा रहा है और इसी के लिए यहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चेतावनी दी है और कहीं ना कहीं ये अंदेशा भी है यहां पर इस बयान के साथ ही कि घुसपैठ जो है जामिया मिलिया के या फिर कश्मीर से जो युवा हैं वो कर चुके हैं और यही माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, घुसपैठ तो बहुत एप्रोप्रिएट शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कहा जाए तो वो यहाँ पर आ रहे हैं, देश का कोई भी राज्य का व्यक्ति कहीं पे भी आ सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ये कहा है कि कोई बाहर से आकर, चाहे कश्मीर से आकर, चाहे जामिया कॉलेज से आकर यहाँ पर अगर किसी का एकत्रित कर रहा है, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है तो उनको नहीं बख्शा जाएगा। और ऐसे इनपुट सीएम को मिले हैं क्योंकि इंटेलिजेंस ने ऐसे इनपुट दिए होंगे मुख्यमंत्री को कि इस तरीके की लोग एकत्रित किए जा रहे हैं और एकत्रित करने की कोशिश की जा रही है। तो मुख्यमंत्री का माना जाए आने वाले वक्त में हमें और जिलों में भी इसका असर ऐसे देखने को मिलेगा। फिलहाल तो देहरादून और फिलहाल ये हल्द्वानी की तस्वीरें हैं।
बिल्कुल हो सकता है आने वाले दिनों में आप और जिलों में भी देख सकते हैं, रुड़की में भी कल देखने में मिला, इसके अलावा देहरादून में भी, हल्द्वानी में भी देखने को मिल रहा है, तो आने वाले दिनों में पहाड़ों में भी दिख सकता है। लेकिन हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि कितना इसका असर होता है, लेकिन कोशिश जरूर हो रही है माहौल खराब करने की। और पंकज ये भी देखना होगा कि चेतावनी के बाद आखिरकार इन विरोध प्रदर्शनों पर क्या कुछ असर पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए।